Hello, students. How are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So, children in computer, our today's topic is more about Photoshop. So, let's start the chapter. Learning objectives starting Photoshop 2020, components of Photoshop 2020, features of Photoshop 2020, creating a new file, saving a file, opening an image for editing using the tools. Adobe Photoshop 2020 is a powerful graphic software developed and published by Adobe Inc. It is the most commonly used image creation and editing software which helps you to manipulate, retouch, crop, resize, and give colors to the digital photographs. Nowadays, posters, banners, magazines, brochures, etc., are created or edited by using Photoshop 2020. बच्चों अडॉप फोटोशॉप 2020 जो है वो एक आपका पावरफुल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा अडॉप इनकॉर्पोरेशन के द्वारा ठीक है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है किसके लिए आपकी इमेज को क्रिएट करने के लिए एडिट करने के लिए और उन्हें मैन्यूपलेट रिटर्च क्रॉप रिसाइज करने के लिए ठीक है ताकि आपकी जो डिजिटल फोटोग्राफ है उसे क्या किया जाए मोर कलरफुल बनाया जाए आजकल इसके थ्रू आपके पोस्टर्स भी बनाए जाते हैं बैनर्स मैगजीन ब्रोशर वगैरह भी क्रिएट किए जाते हैं नाउ स्टार्टिंग फोटोशॉप 2020 थाउजेंड ट्वेंटी टू स्टार्ट फोटोशॉप टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स अडोप मास्टर कलेक्शन टू थाउजेंड ट्वेंटी अडोप फोटोशॉप टू थाउजेंड ट्वेंटी अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि कैसे आपको फोटोशॉप को स्टार्ट करना है सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना है उसके बाद आपको अडॉप मास्टर कलेक्शन 2020 पे जाना है और उसके बाद आप जाएंगे Adobe फोटोशॉप 2020 पे नोट यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक एंड Adobe फोटोशॉप 2020 शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप टू स्टार्ट फोटोशॉप 2020 अब इसको आप सिंपली डायरेक्ट ओपन करने के लिए भी क्या सक, कर सकते हैं इसको अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और उस पर आप डबल क्लिक करेंगे उसके आइकन पे तो ये ओपन हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा फैक्ट अडोव फोटोशॉप वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय थॉमस कनोल बच्चे यहाँ पर बताया गया है कि अडोव फोटोशॉप को फर्स्ट डेवलप किया गया था थॉमस कनॉल के द्वारा नाउ अ स्टार्टिंग फोटोशॉप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्टार्ट फोटोशॉप टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लिक ऑन अस्टार्ट ऑल प्रोग्राम अडोव मास्टर कलेक्शन टू थाउजेंड ट्वेंटी अडोव फोटोशॉप टू थाउजेंड ट्वेंटी अब उच्चो यहाँ पर बताया गया है कि आप अडोव फोटोशॉप को कैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे उसके बाद आप अडॉप्ट मास्टर कलेक्शन पे जाएंगे ठीक है उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अडॉप फोटोशॉप ट्वेंटी ट्वेंटी का उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा नाउ नोट यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक एंड अडोव फोटोशॉप ट्वेंटी ट्वेंटी शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप टू स्टार्ट फोटोशॉप ट्वेंटी ट्वेंटी अब इसे आप डायरेक्ट ओपन करने के लिए इसे क्या कर सकते हैं इसका जो आइकन होता है आपके डेस्कटॉप पे उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप 2020 ट्वेंटी दोटोशॉप फोटोशॉप 2020 इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ मेन्यू बार इट कंटेन्स टेन डिफरेंट मेन्यूज सच एज फाइल एडिट इमेज एक्सेट्रा फॉर डूइंग वेरियस टास्क ऑप्शन बार इट डिस्प्लेज डिफरेंट ऑप्शन एंड प्रॉपर्टीज दैट आर अवेलेबल फॉर सेलेक्टेड टूल्स टूल बार It contains various tools that are used to create edit and enhance an image workspace it is the place where you create and edit images color panel it is used to apply color effects to the image adjustment panels it is used to adjust the settings of the image layers panel it is used to set order of visibility of the object status bar इट डिस्प्ले जूम लेवल ऑफ वर्क स्पेस एंड साइज ऑफ द फोटोशॉप फाइल तो बच्चों यहाँ पे फोटोशॉप 2020 के कंपोनेंट बताए गए हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ठीक है सबसे पहला आपका आता है मेन्यू बार जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं मेन्यूज होते हैं जैसे कि फाइल हो गया एडिट हो गया इमेज हो गया नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन बार्स जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है जो कि अवेलेबल होते हैं आपके सेलेक्टेड टूल्स के लिए टूल बार जो होता है वो आपके डिफरेंट क्या करता है टूल्स को वो कंटेन करता है जो कि आप यूज़ करते हो किसके लिए क्रिएट करने के लिए एडिट करने के लिए एंड एनहेंस करने के लिए वर्क स्पेस आपका वो स्पेस होता है जहाँ पे आप अपनी फाइल को क्या करते हो क्रिएट करते हो अपनी इमेज को वहाँ पे एडिट करते हो कलर पैनल में आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो अप्लाई करने के लिए अपनी इमेज में एडजस्टमेंट पैनल जो होता है वो आपकी सेटिंग्स को एडजस्ट करता है जो भी आपकी इमेज की सेटिंग्स होती है वो आप इसके थ्रू एडजस्ट करते हो लेयर पैनल्स में आपके सेट ऑर्डर्स होते हैं ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है और लास्ट आता है आपका स्टेटस बार जिसमें आप अपने वर्क स्पेस को जूम इन और जूमआउट करके देख सकते हैं नाउ फीचर्स ऑफ फोटोशॉप 2020 ट्वेंटी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फोटो मैनिपुलेशन कैन बी डन इन लेसर टाइम पावरफुल टूल्स आर यूज टू चेंज द कलर्स ऑफ एन इमेज बाय एडजस्टिंग ब्राइटनेस contrast color balance hue and saturation levels create graphics for web application with reduced file size thus helping in fast loading of the website layer effect preserve the original state of the image can be used to create 3d आइकन्स अब यहाँ पे बच्चों फीचर्स बताए गए हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं फोटोशॉप 2020 के सबसे पहले तो ये यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस होता है ठीक है और आप अपनी फोटो को मैनिपुलेट कर सकते हो इन लेसर टाइम ठीक है और इसके पावरफुल टूल्स होते हैं जो कि आपकी इमेज के कलर को उसको एडिट करने में उसके बैलेंस को और इसके ह्यू सेचुरेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसमें आप अपने ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हो किसके लिए वेब एप्लीकेशन के लिए और उनके आप फाइल को क्या कर सकते हो फाइल साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो ठीक है ताकि आप वेबसाइट में उन्हें क्या कर सको अपलोड कर सको इसमें आपके लेयर इफेक्ट होते हैं जो कि प्रिजर्व करते हैं आपके ओरिजिनल स्टेट ऑफ द इमेज को और इसमें आप थ्री डी को भी यूज़ कर सकते हो नाउ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल To create a new file, click File New from the menu bar. This will open a New dialog box. New dialog box provide the following options: Name it specifies the new name for the Photoshop file. By default, the name given is Untitled 1. Width and height specifies the width and height of the new document in pixel, centimeters, inches, points, millimeters, and pixels. Resolution. Specifies the number of pixels per inch. More resolution makes the image clear, while less resolution makes the image blur. Color mode specify the number of colors that can appear in an image. You can choose bitmap, grayscale, RGB color, lab color, and CMYK colors. Background content selects the initial background content of the new document. अब कैसे आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है उसके बाद आपको न्यू में जाना है फ्रॉम द मेन्यू बार तो आपके सामने न्यू डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा ठीक है और वहाँ पे आपसे ये ये चीजें पूछी जाएंगी जैसे कि नेम अब आपको अपनी फाइल का नेम जो है वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ठीक है बाय डिफॉल्ट कहा जाता है कि अगर आप नेम नहीं डालते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम जो है होता है वो अनटाइटल वन के नाम से उसको दे दिया जाता है ठीक है फिर उसके बाद आप अपनी फाइल की वर्थ एंड हाइट को आप वहां पे क्या करेंगे मेंशन करेंगे ठीक है स्पेसिफाई करेंगे जितनी आपको चौड़ाई चाहिए जितनी आपको हाइट चाहिए उतने नंबर्स आपको वहां पर डालने होंगे ठीक है रेजोलून रेजोल्यूशन होता है वो आपका स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ पिक्सल्स ठीक है जितना ज्यादा आपका रेजोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा आपकी इमेज जो होगी वो क्लियर होगी ठीक है अगर आपका रेजोलूशन कम होगा तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी ब्लर हो जाएगी कलर मोड में आप क्या कर सकते हो आप उसमें नंबर ऑफ कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हो जितने कलर आप उसमें डालना चाहते हो वो आप उसमें डाल सकते हो ठीक है आप इसमें यूज कर सकते हो बिट मैप ग्रे स्केल इस तरह से आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन दिए जाएंगे जो जो कि आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो बैकग्राउंड कंटेंट जो होता है वो आपके इनिशियल बैकग्राउंड को क्या करता है सेलेक्ट करता है ठीक है और आपके कंटेंट को न्यू डॉक्यूमेंट में वो इस तरह से दिखाता है बैकग्राउंड के साथ सेविंग अ फाइल टू सेव अ फाइल फॉलो दीज स्टेप्स स्टेप वन क्लिक ऑन फाइल मेन्यू स्टेप टू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स स्टेप थ्री सेलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वॉन्ट टू सेव द फाइल स्टेप फोर स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम कॉम्बो बॉक्स स्टेप फाइव क्लिक ऑन सेव बटन ठीक है अब आपने अपनी इमेज क्रिएट कर ली और फिर एडिट आपने कर लिया अब आपको अपनी फाइल को क्या करना है सेव करना है तो आप सिंपली कहाँ जाएंगे फाइल मेन्यू में जाएंगे उसके बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव सेवेस डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा फिर आपको सेलेक्ट करना है फोल्डर को जहां पे आप अपनी फाइल को क्या करना चाहते हो सेव करना चाहते हो ठीक है फिर आप स्पेसिफाई करेंगे उस फाइल का नाम और वहां पे आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी नोट फोटोशॉप एड्स डॉट पीएचडी एक्सटेंशन टू द फाइल नेम फोटोशॉप जो है वो आपका क्या है एक एड्स है पीएचडी एक्सटेंशन किसके लिए फाइल नेम के लिए नाउ ओपनिंग एन इमेज फॉर एडिटिंग स्टेप वन क्लिक ऑन फाइल ओपन दिस ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स स्टेप two, चूज द इमेज टू बी इंसर्टेड स्टेप three, क्लिक ऑन ओपन बटन स्टेप four, द इमेज विल appear ऑन द workspace area. एरिया नाउ यू कैन यूज फोटोशॉप टूल्स टू एडिट द इमेज अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अपनी इमेज को ओपन कर सकते हैं एडिटिंग के लिए उसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा उसके बाद आपको ओपन पे जाना होगा ठीक है आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो अपेयर हो जाएगा फिर आपको अपनी इमेज को चूज़ करना है जो भी आप वहाँ पे क्या करना चाहते हो इंसर्ट करना चाहते हो उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी इमेज जो है वो आपका जो वर्क स्पेस एरिया होता है वहाँ पे विजिबल हो जाएगी फिर आप जो टूल्स होते हैं फोटोशॉप के टूल्स उनको यूज करके अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं यूजिंग द टूल्स द टूल बार कंटेन्स ऑल द टूल्स दैट आर अवेलेबल इन फोटोशॉप फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस There are so many tools in Photoshop hence they all cannot be displayed in one bar therefore many tools are hidden you can observe that almost all tools have a small triangle at bottom right hand corner of the tool this triangle indicates that there are some other tools that are hidden under this tool to open the list of hidden tools click and hold on small triangle a list of hidden tools will be open अब आप टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप में वो यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे टूल बार होती है ठीक है टूल बार में आपके बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो होते हैं उसके अंदर जो कि अवेलेबल होते हैं फोटोशॉप में आपकी इमेज को एडिट और उन्हें क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पर बताया गया है कि फोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स होते हैं ताकि आप उनको क्या कर सको अपने इमेज को क्रिएट करने एडिट करने में उन्हें यूज़ कर सको लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो कि वन बार में डिस्प्ले नहीं होते ठीक है इसलिए मैनी टूल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं हिडन होती हैं छुपी हुई होती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़े से टूल बार में आपके सारे की सारी टूल्स yeah. नहीं आ सकती तो वो कुछ कुछ क्या होती हैं हिडन होती हैं अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑल टूल्स के पास एक छोटा सा ट्राइंगल होता है बॉटम पर ठीक है आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बाकी की टूल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं विजिबल हो जाती हैं दिख जाती हैं ठीक है ट्राइंगल शोइंग प्रेजेंस ऑफ हिडन टूल्स shortcut keys to select these tools directly let's learn some tools in detail move tool rectangular mark tool lasso tool quick selection tool crop tool perspective crop tool eyedropper tool spot healing brush tool brush tool clone stamp tool history brush tool eraser tool gradient tool blur tool dodge tool pen tool हॉरिजेंटल टाइप टूल पाथ सेलेक्शन टूल रेक्टेंगल टूल हैंड टूल जूम टूल अब बच्चों यहाँ पर आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया गया है जो कि अवेलेबल होते हैं कहाँ पर आपके अडॉप्ट फोटोशॉप में ठीक है इस तरह से ये दिए गए हैं कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं रेक्टेंगुलर मार्क टूल अब हम जानेंगे कि रेक्टेंगुलर मार्क टूल हम किस लिए यूज करते हैं Rectangular mark tool is used to select a rectangular portion of an image. Click on rectangular mark tool. Now click on the workspace and without releasing the mouse button drag the mouse pointer to select a portion of an image to draw a rectangle. Note that boundary of the rectangle is a dotted line with small movements. The rectangular mark tool has these hidden tools: elliptical mark tool it is used when you want to select an oval or circular portion of an image. Single row mark tool. It is used when you want to select a single horizontal line in an image. Single column mark tool. It is used when you want to select a single vertical line in an image. ठीक है अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि रेक्टेंगुलर मार्क टूल जो होता है वो सेलेक्ट मतलब यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए किसी भी रेक्टेंगुलर पोर्शन को ऑफ एन इमेज अब इसमें आप क्या कर सकते हैं सिंपली आपको रेक्टेंगुलर मार्क टूल पर क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है क्लिक करना है उस वर्क स्पेस पे जहाँ पे आप चाहते हो कि वो क्या हो जाए सेलेक्ट हो जाए ठीक है तो आपको वहाँ पे अपना माउस लेके जाना है और वहाँ पे आपको क्लिक करना है उस वर्क स्पेस में और आपको विदाउट रिलीजिंग द माउस उसको क्या करना है ड्रैग करना है ठीक है अपने माउस पॉइंटर को फिर आपको उस पोर्शन ऑफ इमेज को क्या करना है सेलेक्ट करना है टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ठीक है अब आपको अब आप देखोगे कि उसकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी हो जाएगी रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएंगी जिसमें आपकी छोटी छोटी डॉटेड लाइन आपको क्या आएंगी नजर आएंगी रेक्टेंगुलर मार्क टूल जो होता है इसके तीन हिडन टूल्स होते हैं ठीक है ठीके? कौन कौन से पहला होता है उसका एलिप्टिकल मार्क टूल जिसको यूज़ किया जाता है ताकि आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कर सको किस में ओवल शेप में या फिर सर्कुलर पोर्शन में ठीक है जरूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगुलर में ही आपको उसको सेलेक्ट करना है आप चाहो तो उसको ऑलिप्टिकल मतलब ओवल में भी इजीली सेलेक्ट कर सकते हो सेकंड आता है आपका सिंगल रो मार्क टूल इसको यूज किया जाता है आप जब भी आपको अपनी इमेज में किसी भी सिंगल होरिजेंटल लाइन को शो करना होता है थर्ड आता है आपका सिंगल कॉलम मार्क टूल ये यूज किया जाता जाता है जब आप अपनी इमेज में वर्टिकल लाइन को शो करना चाहते हो ठीक है नाउ लेसो टूल लेसो टूल इज यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और अ सेक्शन ऑफ एन इमेज बाय ड्राइंग अ फ्री हैंड बॉर्डर्स और मार्क अराउंड इट टू ड्रॉ अ फ्री हैंड मार्क क्लिक ऑन लेसो टूल देन क्लिक ऑन वर्क स्पेस एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग टू ड्रॉ अ फ्री हैंड शेप अराउंड द ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू सेलेक्ट अब लेसो टूल जो होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन इसमें आपका कोई भी शेप नहीं आता ठीक है आप इसको सिंपली मार्क करके अपनी इमेज की बाउंड्री पे इसे क्या कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो यूज़ कर सकते हो ठीक है अब इसमें आपको फ्री हैंड ड्राइंग यूज करनी होती है मतलब आपको फ्री हैंड मार्क यूज करना होता है किसके थ्रू लेसो टूल के थ्रू आपको अपने माउस को सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है लेसो टूल को उसके बाद अपने माउस को आपको उस इमेज के ऊपर लेके जाना है ठीक है और उसका सपोज आपको हेड को क्या करना है कवर करना है सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली उसके हेड के चारों तरफ लेसो टूल से क्या कर सकते हो मार्क कर सकते हो ठीक है क्विक सेलेक्शन टूल क्विक सेलेक्शन टूल इज यूज टू डिटेक्ट द एजेस ऑफ द इमेज ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड्स एंड डू द सेलेक्शन क्विकली यूजिंग द राउंड ब्रश टिप टू मेक अ क्विक सेलेक्शन click on quick selection tool then click on the section to be selected a freehand shape mark will appear around the section you clicked अब आपको अगर आपको नहीं करना पूरा मार्क लेसो टूल के थ्रू तो आप क्विक सेलेक्शन टूल से भी उसे क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं ये क्या करेगा ये जो सेक्शन है आपका ये आपके इमेज की बाउंड्री को क्या करेगा सेलेक्ट करेगा सपोज आपको हेड वाला एरिया आपको कवर करना है तो आपको सिलेक्शन टूल से भी इजीली उसे सेलेक्ट कर सकते हो ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपकी इमेज को उसकी बाउंड्री के साथ ये क्या कर देगा सेलेक्ट कर देगा क्रॉप टूल क्रॉप टूल इज यूज टू रिमूव अनवॉन्टेड पोर्शन फ्रॉम द इमेज To use crop tool follow these steps. Step 1, click on crop tool. Step 2, click on the image and without releasing the mouse button drag the select the portion you want to keep. Step 3, click again on crop tool, the Adobe Photoshop CS6 dialog box opens. Step 4, in the Adobe Photoshop CS6 dialog box, click on crop button. तो बच्चों यहाँ पे क्रॉप टूल हमें यूज करना सिखाया गया कि कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट होता है अगर हम उसे हटाना चाहते हैं तो हम उसे सिंपली क्रॉप टूल को यूज करके हटा सकते हैं कैसे यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं सबसे पहले हम क्रॉप टूल पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे उसके बाद हम उस इमेज पर जाएंगे जहाँ पे हमें कोई चीज हटानी है ठीक है फिर विदाउट रिलीजिंग द माउस आपको ड्रैक करना है सेक्शन ऑफ उस इमेज का नाउ आपको क्रॉप टूल पे दोबारा से क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने एक सी एस सिक्स डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको क्रॉप बटन पे क्लिक करना है नाउ ब्रश टूल ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ ब्रश स्ट्रोक्स टू गिव एन इफेक्ट ऑफ पेंटिंग टू द इमेज द इम्पोर्टेंट ऑप्शन शोन बाय ऑप्शन बार फॉर ब्रश टूल आर ब्रश प्रीसेट पिकर this option is used to decide various brush options opacity this option is used to increase or decrease the transparency of the brush color low number indicate transparency and high number indicates opaqueness after doing this setting click on the workspace and without releasing the mouse button drag to draw the flow of brush different brush preset picket options and opacity have different brush effect अब बच्चों नेक्स्ट समय ने बताया गया कि, कि ब्रश टूल क्या करता है ब्रश टूल जो होता है वो आपके ब्रश स्ट्रोक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है ताकि आप अपनी इमेज में कोई भी पेंटिंग का जो इफेक्ट होता है वो आप इजीली दे सको ठीक है अब यहाँ पे आपके ब्रश टूल के टाइप्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप ब्रश टूल को इस्तेमाल कर सकते हो सबसे पहला इसमें ब्रश प्रीसेट पिकर जिसमें आप क्या कर सकते हो अपने ब्रश ऑप्शन को पिक कर सकते हो जिसमें जिसमें आपका मोटे ब्रश भी होते हैं और पतले ब्रश भी होते हैं या उनका किस तरह की आपको वेरिएशन उसमें चाहिए वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो फिर आप उसकी ओपेसिटी को सेलेक्ट करोगे सपोज आपको उसके साइज़ को घटाना है या बढ़ाना है तो आप इसके थ्रू उसको घटाया बढ़ा सकते हैं ठीक है लो नंबर इंडिकेट करता है आपके ट्रांसपेरेंसी को और जो आपके हाई नंबर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ओपैकनेस उपैकने को मतलब उसके कितना मोटा होना चाहिए कितनी चौड़ाई होनी चाहिए उस ब्रश की वो आपके इस पर डिपेंड करता है जब आप इन सेटिंग्स को सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको अपने वर्क स्पेस पे जाना है ठीक है सपोज आपने पतला ब्रश सेलेक्ट कर लिया अब आपको अपने वर्क स्पेस में जाना है और विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन आपको ड्रैग करना है और ड्रॉ करना है फ्लो ऑफ ब्रश को ठीक है डिफरेंट ब्रश जो होते हैं वो प्रीसेट होते हैं पिकेट ऑप्शन में और फिर आप उनकी ऑपेसिटी को डिफरेंटली यूज कर सकते हो तो क्योंकि वो डिफरेंट इफेक्ट हमें देते हैं नाउ इरेजर टूल इरेजर टूल इज यूज टू इरेज और रब पोर्शन ऑफ एन इमेज और वर्क स्पेस It acts just like an eraser in your pencil box. If you have written something incorrect, you pick the eraser and erase the incorrect words. Similarly, you click on eraser tool, click and without releasing the mouse button, drag on unwanted portion of image to erase them. Erase tool जैसे आपने देखा होगा आपके paint में आप कुछ भी colour draw कर लेते हो तो आप erase tool के through क्या करते हो उसे उसको हटा देते हो उसे erase कर देते हो इसीलिए सिमिलरली बताया गया है कि जो आपका इरेजर टूल होता है अगर आप कुछ भी अपने माउस बटन से कुछ भी आप गलत कर लेते हो वहाँ पे किसी भी गलत टूल को आप सेलेक्ट करते हो और फिर उससे गलत आपका ब्रश सपोज आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया अगर आपने कुछ गलत वहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो आप इरेजर टूल को सेलेक्ट करके उस इमेज को क्या कर सकते हो इरेज कर सकते हो मतलब जो अनवॉन्टेड पोर्शन है उसे आप इरेज कर सकते हो नाउ रेक्टेंगल टूल Rectangle tool is used to draw a rectangle or a square. The important options shown by option bar for rectangle tools are Fill. This option is used to select colors to be filled in the rectangle. Click on the color box to open Fill color drop down options and select a color. Stroke. This option is used to select colors to be filled in the boundary or outline of the rectangle. Click on the color box to open stroke color, drop down options and select a color. Shed shape, stroke width. This option is used to set the thickness of the outline or stroke of the rectangle. Type in a number in the combo box or click on the arrow to open slider. Click and drag the slider to adjust thickness of the stroke. Set shape stroke type. This option is used to set the style of the stroke, like whether to have a straight line, broken line, or dotted line. Click on the set shape stroke type to open drop down options and select a suitable option. After doing the above settings, click on the Workspace and without releasing the mouse button, drag to draw a rectangle. Release the mouse button when the proper size is achieved. Rectangle tool has some hidden tools. Click and hold on rectangle tool to open list of hidden tools. Rounded rectangle tool is used to draw a rectangle with rounded corners. Ellipse tool is used to draw a circle or oval shape. Polygon tool is used to draw closed shapes. थ थ्री फाइव सिक्स और मोर साइड्स ट्रैंगल पेंटागन एक्सेट्रा लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ अट लाइन क्लिक एंड ड्राइंग ऑन वर्क स्पेस टू ड्रॉ अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम रेक्टेंगल टूल को यूज कर सकते हैं अपनी ड्रॉइंग में अपनी इमेज में ठीक है रेक्टेंगल टूल जो होता है वो आपके रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें आपके बाकी ऑप्शन भी इंक्लूडेड है जैसे की फिल्म फिल ऑप्शन जो होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने कलर को उस रेक्टेंगल के अंदर फिल कर सको ठीक है इसके लिए आपको क्लिक करना होता है कलर बॉक्स में टू ओपन फिल कलर ड्रॉप डाउन ऑप्शन उसमें आपके बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो रेक्टेंगल के अंदर फिल कर सकते हो नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रोक स्ट्रोक जो होता है वो आपके कलर को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जिसको आप अपनी बाउंड्री में फिल करना चाहते हो या उसकी आउटलाइन आप उसको देना चाहते हो ठीक है थीके? इसके लिए आपको क्लिक करना होगा कलर बॉक्स में टू ओपन स्ट्रोक कलर ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो होता है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा उसके साथ आप क्या करोगे अपने कलर को सेलेक्ट करोगे नाउ सेट सेप स्ट्रोक वृथ जो होता है वो आपकी शेप को सेट करता है और साथ के साथ उसकी जो व्रत होती है स्ट्रोक की व्रत उसको भी वो मेंटेन करता है या आपको उसकी थिकनेस कितनी आपको चाहिए वो आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं ठीक है थीके? इसमें आपको क्लिक करना होगा एंड ड्रैग करना होगा उस स्लाइडर को और उसकी थिकनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आया था आपका सेट शेप स्ट्रोक टाइप अब आपको अपनी शेप का किस तरह का आपका उसको स्ट्रोक का टाइप चाहिए आप उसको क्या कर सकते हैं ईजीली सेट कर सकते हैं ठीक है उसके स्टाइल को उसकी स्ट्रोक को आप इजीली सेट कर सकते हैं सपोज आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए ब्रोकन लाइन चाहिए या फिर आपको डॉटेड लाइन चाहिए तो वो आप शेप स्ट्रोक टाइप को सेट कर सकते हैं ईजीली इसके लिए आपको सेट शेप स्ट्रोक टाइप पे क्लिक करना होगा और आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा उसमें से आप सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है फिर जब आप ये अब, अब सेटिंग कर लेते हो तो आपको वर्क स्पेस में क्लिक करना है विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन उसके बाद आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे करेंगे और उसके बाद आपका जो माउस बटन है उसको आप रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो प्रॉपर साइज है वो क्या हो जाएगा अचीव हो जाएगा नेक्स्ट हमारा आ जाता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल अब इसमें आपका रेक्टेंगल तो बनता है लेकिन उसके जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं राउंड शेप के हो जाते हैं मतलब वो हल्के कर्व हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इसमें आता है एलेप्स टूल जो कि आपके सर्कल्स या फिर ओवल शेप को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीगन टूल जो होता है वो आपके अलग अलग शेप के अलग अलग साइज के जो पॉलीगन होते हैं या जो आपके ट्रैंगल होते हैं हेक्सागन होते हैं उनको हम ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं लाइन टूल जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है इसके लिए आपको क्या करना होता है आपको सिंपली क्लिक करना होता है और ड्रैक करना होता है अपने वर्क स्पेस पे और आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाती है नाउ ग्रेडियंट टूल ग्रेडियंट टूल इज यूज टू गिव ब्लेंडिंग इफेक्ट्स बिटवीन टू और मोर कलर्स टू द वर्क स्पेस द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन शोन बाय ऑप्शन बार फॉर ग्रेडियंट टूल्स आर ग्रेडियंट टाइप It shows various gradient types that can be applied to an image. Select a gradient type from this list. Linear gradient. It is used when straight lines are to be shown in gradient effect. Radial gradient. It is used when circles are to be shown in gradient effect. Angle gradient. It is used when conical shapes are to be shown in gradient effect. Reflected gradient. टूल के बारे में की हम इसे किस लिए यूज करते हैं ग्रेडेंट टूल जो होता है वो यूज किया जाता है ताकि आप दो कलर के बीच में ग्रेडियंट मतलब ब्लेंडिंग इफेक्ट को इजिली दिखा सको अपने वर्क स्पेस में अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपके शोन होते हैं ग्रेडिएंट टूल्स में कौन कौन से हैं सबसे पहला आपका ग्रेडिएंट टाइप आता है किस तरह का आपको ग्रेडिएंट टाइप चाहिए जो कि आप अपने इमेज में अप्लाई करना चाहते हो वो आप ग्रेडिएंट टाइप के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीनियर ग्रेडेंट अगर आपको अपने इमेज में स्ट्रेट लाइन दिखानी है तो आप ग्रेडेंट लीनियर ग्रेडेंट को यूज कर सकते हैं ठीक है रेडियल ग्रेडेंट जो होता है वो आपका जब आपको सर्कल दिखाना होता है ठीक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंगल ग्रेडियंट जो होता है वो आपका कोई भी शेप आपको दिखाता है सपोज आपको कोनिकल शेप दिखानी है तो आप इसको क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट जो होता है वो आपके स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है ठीक है और उसको डबल इफेक्ट के साथ या फिर रिवर्स रिवर्स इफेक्ट के साथ वो दिखाता है डायमंड ग्रेडियंट जो होता है वो आपका जब आपको डायमंड शेप में अपने इमेज में कोई इफेक्ट दिखाना होता है तो वो आप क्या यूज़ करते हो उसके लिए ग्रेडेंट डायमंड ग्रेडेंट इफेक्ट आप यूज कर सकते हो नाउ पेंट बकेट टूल पेंट बकेट टूल इज यूज टू फिल इन क्लोज इमेज एंड सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज इट इज हिडन टूल अंडर ग्रेडिएंट टूल द इंपॉर्टेंट ऑप्शन शोन बाय ऑप्शन बार फॉर पेंट बकेट टूल्स आर ऑपेसिटी क्लिक एंड ड्रैग ऑन दिस ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फिल कलर लोअर नंबर्स इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट विल अपीयर ट्रांसपेरेंट एंड हाई नंबर इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट विल अपीयर ओपैक ठीक है अब इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता जा है पेंट बकेट टूल पेंट बकेट टूल जो होता है वो यूज किया जाता है आपके कलर्स को फिल करने के लिए इन क्लोज इमेज ठीक है और अगर आपने कोई इमेज का पार्ट सेलेक्ट किया उसका सपोज आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप पेंट बकेट टूल के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो इस टूल के अंदर भी आपके बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं ठीक है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो होता है शोन होता है आपका दिखता है कहाँ पे ऑप्शन बार फॉर पेंट बगेट टूल कौन कौन से होते हैं इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका ओपेसिटी ठीक है इसमें आप क्या करते हो क्लिक एंड ट्रैक करते हो ऑन दिस ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फिल कलर ठीक है जो भी आपने कलर उसमें फिल किया है उसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो तो ओपेसिटी उप, के थ्रू उसे कर सकते हो लोअर नंबर मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट में अपीयर होगा अगर अगर आप हाई नंबर को सेलेक्ट करते हो तो वो इंडिकेट करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर होगा ओपेकनेस के साथ वॉट टाइप टूल Horizontal type tool is used to type text on the image or blank workspace the important options shown by option bar for horizontal type tool are font family this drop down list is used to select the face of font for example times new roman calibri etc font style this drop down list is used to give bold italic underline etc styles to the text font size this drop-down list is to use to select the size of the font left align text center text right align text these options are used to align the text to the left edge center right edge respectively of the workspace or the selection text color click on the text color box to open color picker dialog box क्लिक ऑन अ कलर एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन टू सेलेक्ट द कलर और बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि हॉर्जेंटल टाइप टूल जो होता है वो किस तरह से काम करता है आपके वर्क स्पेस में आपकी इमेज में हॉर्जेंटल टाइप टूल जो होता है वो यूज़ किया जाता है आपके टेक्स को टाइप करने के लिए ऑन द इमेज या फिर आपके ब्लैंक वर्क स्पेस में ठीक है इसमें आपके भाग के ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है आपके फॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए सपोज़ आपको टाइम्स न्यू रोमन चाहिए कैलीबेरी चाहिए इस तरह के आपके बाकी वहाँ पे क्या आ जाते हैं फॉन्ट के स्टाइल आते हैं आप उनको सेलेक्ट करके अपने फॉन्ट का जो फेस है वो चेंज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल जो होता है आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो उसको बोल्ड कर सकते हो इटैलिक कर सकते हैं एंड अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरह से आप स्टाइल जो होती है वो अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं फॉन्ट साइज इसमें आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसमें आप अपने फॉन्ट के साइज को घटाया बढ़ा सकते हैं लेफ्ट अलाइन आपका क्या करता है आपके टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ करता है ठीक है राइट right अलाइन जो होता है वो आपके टेक्स्ट को राइट right की तरफ करता है और जो आपका सेंटर टेक्स्ट है वो आपके टेक्स्ट को सेंटर पे लाने के काम आता है नाउ टेक्स्ट कलर अब ये यूज किया जाता है आपके टेक्स्ट को टेक्स्ट का जो कलर होता है उसे चेंज करने के लिए सपोज आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप उसका टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट कलर टूल के थ्रू पेंसिल टूल पेंसिल टूल इज अ हिडन टूल अंडर ब्रश टूल इट इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड शेप्स द ऑप्शंस बार ऑफ द पेंसिल टूल शोज एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन एज दोज इन ब्रश टूल पेंसिल टूल जो होता है वो आपका छुपा हुआ होता है किसके नीचे ब्रश टूल के नीचे ठीक है इसे हम यूज करते हैं किसके लिए फ्री हैंड शेप्स को ड्रॉ करने के लिए ये ऑप्शन बार जो पेंसिल बार पेंसिल टूल का आपको नजर आता है ये एक्जैक्टली exactly सेम होता है आपके ब्रश टूल की ही तरह जैसे आप ब्रश टूल को यूज करके ब्रश ड्रॉ करते हो इसी तरह से आप पेंसिल टूल को यूज करके पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर अडोप फोटोशॉप इज अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड पब्लिस्ड बाय अडॉप इंक द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन अडॉप फोटोशॉप फाइल इज डॉट पी डी डॉट Lesser tool is used to make freehand selection in the images. The crop tool is used to remove the unwanted portion of an image. Gradient tool is used to give gradient effect to the workspace. Paint bucket tool is used to fill the color in closed shapes and images. Rectangular mark tool is used to select a rectangular portion of an image. Brush tool is used to draw brush strokes to give an effect of painting to the image. So, students, I hope you understood the chapter. Now, you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.